नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। बोकारो जिले के साड़म में रात हुई मूसलाधार बारिश में कई घरों में पानी का नुकसान पहुंचा। साड़म नहर रोड किनारे स्थित कई घरों में 6 फीट तक बारिश का पानी भर गया था, जिसकी वजह से घरों में रखे अनाज भीग गए। इसके अलावा फ्रिज, अलमारी, टीवी, मोटरसाइकिल, टीन के बक्से, पलंग आदि पानी में डूब गए। इस कारण लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। वहीं कुछ लोग सामान को बचाने के चक्कर में घायल भी हो गए, जिसका स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन से बारिश के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति एवं मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि पूरी रात हुए बारिश का पानी घरों में घुस गया था, जिस कारण घर में रखे लगभग सभी सामान पानी में डूब गए। उन्होंने कहा, रात में हुई बारिश से हम सभी को लाखों का नुकसान हुआ है, कहीं जगह दीवार भी गिर गए हैं। स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस क्षति का हमें उचित मुआवजा दें। पीडीओ ने लिया जायजा। मामला संज्ञान में आते ही गोमिया बीडीओ कपिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर बारिश में हुए नुकसान का जायजा लिया एवं पीड़ित परिवार को तत्काल सूखा राशन उपलब्ध कराते हुए कहा कि सरकारी स्तर पर जो भी मुआवजा प्रावधान है उसे पीड़ित परिवार को दिलाने की अनुशंसा किया जाएगा। इन्होंने भी की पीड़ित परिवार की मदद। जिप सदस्य आकाश लाल सिंह, पंसस विष्णु लाल सिंह, उप मुखिया पंकज जैन आदि लोगों ने पीड़ित परिवार को तत्काल सूखा राशन उपलब्ध कराया। इनका हुआ है नुकसान। राजेश कुमार, प्रवीण कुमार, पंकज कुमार, महेश, रविदास, सुरेश दास आदि लोगों का नुकसान हुआ है। रात भर बारिश होने के कारण तेज गति में बारिश आया और नाली का पानी पूरे घर में घुस गया, जिससे घर में रखे अनाज, सब्जी, मुर्गी, मुर्गियां, बकरियां मर गई है और बहुत सारा नुकसान हुआ है। हम लोगों ने अपने स्तर से बच्चों को उठा उठा कर छतों में ले गया, बच्चों ने किसी तरह से दौड़कर हम लोग सब जान बचाए। इसमें किसी के कोई घायल भी हुआ है क्या? हाँ, एक महिला, लगभग वृद्ध महिला जो है हम लोगों की, वो उम्र जिनकी 70 साल है, उनकी गंभीर रूप से अभी घायल है और एक हमारे महेश दास जी वो भी घायल है, उनका भी इलाज किया जा रहा है। क्या मांग करते हैं स्थानीय प्रशासन से? स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि आके आकलन करें और हम लोग को जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है वो दिलाएं। और साथ ही साथ हम लोग बरसों से चेप करते थे, मांग जो रखा गया है नाली निर्माण का, और कहीं ना कहीं हम लोगों को सिर्फ ठगा जा रहा है। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं इस बार हम लोग को नाली का निर्माण हो और तभी हम लोग सही ढंग पर हम लोग रह पाएंगे। कितना फीट पानी घुसा हुआ था घर पे? लगभग 6 फीट पानी घुसी हुई है। आप देख सकते हैं इस बाइक सहित डूब गई है और बाइक के साथ साथ जो अलमारी रखी गई है, लोहे की अलमारी, वो भी डूब गई है और बक्सा जो करीब 5 फीट ऊंचाई है वो भी डूब गई हुई है और टीवी वगैरह जितना भी है बहुत सारी क्षति हुई है। आप खुद आकलन आप लोग लगा सकते हैं। क्या नाम है? राजेश कुमार,